नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़वा न्यूज, प्रस्तुत है समाचार। रंका अंचल की बातों को अवहेलना करते हुए बुनियादी विद्यालय की जमीन पर पर्सनल व्यक्ति ने बनवाई रोड। रंका से आकाशदीप का रिपोर्ट। रंका अनुमंडल मुख्यालय के रंका शहर प्रखंड के बुनियादी विद्यालय स्कूल का जमीन में अतिक्रमण कर रोड बनाने का मामला विद्यालय के प्रधानाध्यापक, विद्यालय के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के द्वारा प्रकाश में लाई गई थी, जिसकी आवेदन पर रंका अंचल पदाधिकारी के निर्देश पर बुनियादी विद्यालय की जमीन की मापी कराई गई थी, जो सरकारी अमीन के द्वारा नापी कर बुनियादी विद्यालय का जमीन सुपुर्द की गई थी, जिसमें रोड बना रहे व्यक्ति के द्वारा अपना जमीन बताने का बात कही जा रही थी, जो नापी कर अमीन उन्हें बता दिया था कि इस पार से इतना ही जमीन आपका है, जो अंचल अधिकारी के द्वारा जमीन के पूर्ण नापी कराने की बात कहकर विद्यालय की जमीन पर बन रहे रोड का कार्य रुकवाया गया था। परंतु इधर विद्यालय एक सप्ताह से पर्व त्यौहार को लेकर बंद का फायदा देखकर जमीन अतिक्रमण करने वाले बिजोलिया के द्वारा विद्यालय के जमीन पर अपने सुविधा को लेकर रोड बनाने का कार्य किया जा रहा था, जिसका सूचना रंका उत्तरी जिला पार्षद मुरारी यादव, सांसद प्रतिनिधि कमलेश नंदन सिन्हा, भाजपा जिला प्रभारी उत्तम पांडे, महामंत्री बसंत गुप्ता को सूचित की गई। इन्होंने त्वरित संज्ञान लेते हुए रंका थाना प्रभारी को इस बात को अवगत कराया, जहां पर रंका थाना प्रभारी ने आवेदन की बात कही, जो शिक्षा विभाग के द्वारा तत्काल व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदन उपलब्ध कराए, जिसके आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए रंका थाना प्रभारी ने काम को रुकवाया। परंतु इससे पहले कि काम पूर्ण हो चुका था, जो अंचल अधिकारी के बातों को अवहेलना करते हुए कार्य को गति दी गई, जो कानूनी प्रक्रिया के तहत यह कार्य गलत की गई है। अब आगे का कार्य क्या कर रहे हैं, जो रंका के ग्रामीणों को देखना है। धन्यवाद।